आज लोकसभा में मानसून सत्र का पहला दिन हंगामे की भेंट चढ़ गया। मानसून सत्र में मणिपुर हिंसा का मुद्दा जैसे ही सांसद रामदास आठवले ने उठाया तो विपक्ष ने तुरंत शोर मचाना शुरू कर दिया। वहीं दूसरी तरफ आंध्र प्रदेश भवन में मणिपुर हिंसा को लेकर राष्ट्रीय क्रिश्चियन बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष जॉन मैथ्यू ने भारतीय पार्टी के सांसद को ज्ञापन सौंपा, जहां उनके साथ बहुत बड़ी संख्या में मणिपुरी कुकी समुदाय के लोग भी उपस्थित रहे। और जॉन ने अपनी बात पत्रकारों के आगे रखी। जब जॉन मणिपुर हिंसा के बारे में बात कर ही रहे थे तो कई लोग अपने आंसू भी नहीं रोक पाए। यह एक बहुत बड़ी त्रासदी है और देश के लिए शर्मसार घटने वाली घटना है। किस तरीके से देखना है आपको, गवर्नमेंट को बताना चाहिए, गवर्नमेंट को सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट देना चाहिए, सब कुछ कोई उसी में झूठ और या कोई उसी में खेलवा का नहीं है। जो हकीकत सामने आई है, आज तक कोई किसी को सोना नहीं दी है, खाना नहीं मिली है, रोना ही रोना और पूरा ब्लडशेड हो रहा है। और आप लोग को पता है कि कल भी क्या करीब करवाया दो लड़की को, उसी से क्या सबक सीखना है। मैं पूरा दुनिया, खाली हिंदुस्तान नहीं, पूरा दुनिया महिलाएं लेडीज उनको बेशर्मी की तरह की है। क्या हिम्मत है? मॉब करके लिखा है, मॉब कौन है? मॉब नहीं लिखना है, मेटे लिखो, मेटे मॉब, मेटे मॉब लिखो भाई हो बहनों। क्यों मॉब लिखा? मॉब में क्या होता है? कोई भी मॉब हो सकता है, मेटे क्यों नहीं लिखे हैं? सबको हकीकत होना चाहिए। आप लोग को सब पता है इतना महीना से देखे तो भारत देश के जो ईसाई भाई है उन लोगों के नाम पे, उन लोगों के चर्चों पे पूरा हमला शुरू हो गया है। आजकल देखे तो मणिपुर में देखिए, हमारा बहनों को, मणिपुर बहनों को बगैर कपड़े के पूरा रोड पे घुमा रहे हैं। मणिपुर में जो भी है अभी तक इतना हिंसा कांड हो रहे हैं, अभी तक ईसाइयों के ऊपर धाड़ी करके हमला करके अभी तक मणिपुर में 200 से ऊपर आदमियों को, हमारा ईसाई भाइयों को मार डाले। अभी भारत सरकार ने अभी तक गया, यूं देखा, यूं आया, मगर उसके लिए कुछ बात भी नहीं कर सकते हैं। हम डिमांड करते हैं भारत सरकार को, पार्लियामेंट में मणिपुर के इश्यू आप क्लियर करना चाहिए, पार्लियामेंट में हमारा मणिपुर के भाई के लिए, आप बहनों के लिए आप बात करना चाहिए, मणिपुर के जिन कोई भी है उनके लिए न्याय करने के लिए आप बात करना चाहिए। आप देखिए मणिपुर में इतना बड़ा गठन हो रहे हैं, वहाँ पर मानव हक कमीशन कहाँ है? वुमेन राइट कमीशन कहाँ है? वुमेन राइट कमीशन नहीं दिख रहे हैं, यहाँ पर नेशनल ट्राइबल कमीशन नहीं दिख रहे हैं। ये प्यूरा क्यों? अभी इतना बड़ा इशू ट्राइबल्स के लिए हो रहा है, इतना बड़ा इशू माइनॉरिटीज के लिए हो रहा है, ईसाई के लिए हो रहे, नेशनल माइनॉरिटी कमीशन नहीं, अभी तक माइनॉरिटी मिनिस्टर भी बात नहीं करे, नेशनल ट्राइबल मिनिस्टर बात नहीं करे, नेशनल ट्राइबल कमीशन बात नहीं करे, नेशनल वुमेन राइट्स कमीशन भी बात नहीं कर रहे। ये क्या हिसाब है? ये क्या हिसाब है भारत में? अगर क्या हो रहा है भारत देश के जो भी ईसाई भाइयों के लिए, हमारा को न्याय चाहिए। हमारा बहनों को बगैर कपड़े पूरा मणिपुर पूरा घुमा रहे हैं, हमारे भाइयों को मार डाल रहे हैं, हमारे भाइयों को उग्रवादी बोल के केस करके अंदर डाल रहे, जेल में डाल रहे हैं। सब 29 स्टेट्स के सीएम को हम डिमांड करते हैं, आप लोगों में, हमारा आपका स्टेट में भी हमारा जैसे ईसाई है, हमारा जैसे ट्राइबल है, उन लोगों के लिए आप सबसे आवाज दे दीजिए, हमारे लिए बात करिए। क्यों हमारा इतना 29 सीएम काम नहीं कर रहे, क्या बात नहीं कर रहे? एक मणिपुर के छोड़ के नागालैंड सीएम है और उत्तराखंड सीएम है और बहुत सीएम, उधर का सीएम कोई भी बात नहीं कर रहे। अब तो हम लोग नमस्कार करके आप सज्जनों को आपको हम रिक्वेस्ट करते हैं, हमारे भाइयों के लिए, हमारा ईसाई भाइयों के लिए, हमारे ट्राइबल्स के लिए लड़ाई के लिए आप सब जने आगे आना चाहिए, हमारे लिए काम करके, हमारे लिए एक लफ्ज बात करिए। सब सीएम को हम नमस्कार करते हैं।